हेलो फिफ्थ क्लास, आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम्स। टुडे वी विल रीड योर चैप्टर 16 एज ऑफ मशीन्स। टुडे वी लिव इन द एज ऑफ मशीन्स। आजकल तो हम मशीनी युग में रह रहे हैं। वी डिपेंड ऑन मशीन्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल आर वर्क। हम फुल काम के लिए किसके ऊपर डिपेंड्स हैं? मशीन के ऊपर। हमारी लाइफ हमें इम्पॉसिबल लगती है किसके बिना? मशीन्स के बिना। पर एक टाइम ऐसा भी था जब कोई भी मशीन नहीं होती थी। कहते कोई भी मेटल की खोज होने से पहले जो अर्ली ह्यूमन थे, जो हमारे पहले वाले इंसान थे, वो क्या करते थे? सिंपल टूल्स और वेपन्स का यूज़ किया करते थे जो कि इसके बनी होती थी। ये देखो, ये बोन्स, स्टोन्स और वुड से इनके वेपन्स बने होते थे। जब ही इन्होंने क्या किया, मेटल्स जैसे कि कॉपर, आयरन को डिस्कवर किया, उनकी खोज की, तो उन्होंने क्या किया, अच्छे से टूल बनाने शुरू कर दिए। लेटर बिकेम मास्टर इन मेकिंग एफिशिएंट मशीन्स। अब तो वो क्या हो गए, मास्टर बन चुके हैं अच्छी अच्छी मशीनें बनाने में, जिन्होंने उनके काम को आसान कर दिया। कहते टूल्स की इन्वेंशन ने, ठीक है जी, हमें इनेबल्ड मैन टू डू वेरियस जॉब। मैन को इनेबल कर दिया है जॉब्स के लिए। ही स्टार्टेड वर्क एज अ वुड कटर। पहले वो क्या करते थे काम, कहते वुड कटर, जैसे कि आप और कारपेंटर, पोटर और ब्लैकस्मिथ, लोहार थी। द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ मैन डिड नॉट स्टॉप हियर। कहते जो इंसान की ग्रोथ है और उनकी तरक्की है, यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए मैन ने बहुत ज़्यादा और खोजें की और आविष्कार किए। बाय एंड लार्ज दिस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, इन खोजों और आविष्कारों के द्वारा, ठीक है जी, इन द वर द माइल स्टोन इन द पाथ दैट लेड टू द एज ऑफ मशीन। हमें ये मशीनों के युग तक ले गए। तो चलो हम इस चैप्टर के बारे में, स्टोन से मशीन एज तक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेटल कैसे खोज हुआ, मेटल की सबसे पहले इंसान ने कॉपर की खोज की। कॉपर जो रेडिश ब्राउन कलर था, शाइनिंग मेटल, नेचुरली शाइनिंग मेटल था, ठीक है जी। अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया, कॉपर से क्या बनाए, टूल्स बनाए और वेपन्स बनाए। प्योर कॉपर था, वो सॉफ्ट मेटल था, इसीलिए उसके बीच में टिन मिक्स किया जाता था, अलॉय मिश्रित धातु को मिक्स की जाती थी, जिसका नेम था ब्रोंज। कांसा यूज़ किया जाता, कांसे को मिक्स कर दिया जाता था, और जो ब्रोंज था वो क्या था, कॉपर से हार्ड हुआ करता था। तो फिर बाद में इंसान ने, जैसे उसने लोहे की खोज कर ली, तो वो लोहा था वो क्या था, मेटल, इन मेटल से क्या था, वो थोड़ा सा हार्डर था। तो मैन ने उसे स्ट्रॉन्ग टूल बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि हैमर्स, हथौड़ी, ठीक है जी, कुल्हाड़ी, हल वगैरह आयरन से शुरू कर दिए। तो उसके लिए क्या ईजी हो गया, शिकार करना, मिट्टी को खोदना और खेती करना आसान हो गया। तो हम इस युग को आयरन एज भी क्या सकते हैं, जब इंसान ने आयरन का अच्छे से यूज़ करना शुरू कर दिया था। विच ब्राउट अबाउट द रिमार्केबल चेंजेस इन द लाइफ ऑफ मैन, जिसके कारण मैन की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए। तब है मशीन इज, अब हम सब कुछ मशीनों के ऊपर करते हैं ना, इवन कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन होती है, स्टिचिंग के लिए सुइंग मशीन होती है। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसने औद्योगिक क्रांति कैसे ला दी। इन लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरीज, 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर एग्रीकल्चर, कोई भी चीज़ को बनाने और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत चेंजेस आए हैं। दिस वॉज, इस पीरियड को ही हम औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं और मशीनों का युग कह सकते हैं। इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ एंड काफ़ी ट्रांसपोर्ट इम्प्लीमेंट हुए। डिवीज़न ऑफ लेबर के इंटू एग्जिस्ट, और मतलब लेबर वर्ल्ड और जो बंदे मतलब मेहनत करते हैं उनकी एग्जिस्टेंस हुई। द टाइम इन एफर्ट्स ऑफ द वर्कर्स, जो वर्कर्स ने, जो उनकी टाइम था, वर्कर्स की कोशिशें थी, रिड्यूस दैट मेक देम स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर वर्क, उनको अपने वर्क में स्पेशलिस्ट बना दिया। इट इनेबल्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लेसर टाइम। उन्होंने अब क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन कर देते हैं। और ये चीज़ें क्या होती हैं, सस्ती भी होती हैं और सभी खरीद भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं अब सेटअप हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है लोगों के लिए, फ्रॉम हैंडमेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स मैन से चल ओवर टू मेकिंग मशीन मेड प्रोडक्ट्स। मैन ने कहते हैं सारे प्रोडक्ट मशीन के ऊपर भी बनाने सीख लिए हैं। रोड्स, रेलवे फैसिलिटीज़ भी डेवलप हो चुकी हैं, मास प्रोडक्शन एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, आपको कोई भी सामान है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। नो वंडर, हैरानी की बात नहीं, इट ब्राउट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द लाइफ ऑफ पीपल। इसने लोगों की ज़िंदगी में क्रांति ला दी है। दिस चेंज इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स केम टू बी नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसी चेंज को, इंसान के हाथों के से चीज़ें बनाई जो मशीनों में बनने लगे, इसको ही हम औद्योगिक क्रांति का नाम देते हैं। मास प्रोडक्शन, देखो अब चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती हैं ना मशीन के यूज़ से,
तो इसे रेट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है, तो फैक्ट्रीज है बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर चीज़ें पैदा करती हैं और लो कॉस्ट होती है उनकी और कम टाइम में होती है, तो हम इस प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, मास प्रोडक्शन कहते हैं। जो मास प्रोडक्शन है उसने क्या किया है, क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया है और कोई भी प्रोडक्ट है ना उसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस किया है, तो इससे हमें क्या आते हैं, हमारे प्रॉफिट्स बढ़े हैं एंड हम काफ़ी लोगों को नौकरी भी दे पाए हैं। इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, अब स्टीम इंजन की खोज कैसे हुई, जो इन्वेंशन थी स्टीम इंजन की, कहते उसने तो फुली इंसान की लाइफ ही बदल के रख दी, ये थी मशीन एज की शुरुआत थी। कहते एक क्रूड स्टीम इंजन बनाया थॉम सेवरेनी जो क्या करता था, वाटर जो कोल माइंस उनके अंदर से पानी निकाला जाता था उनसे ट्यूब। तो फिर 1769 में जेम्स वॉट था जो स्कॉटिश मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने उस इंजन के अंदर इम्प्रूव की और स्टीम इंजन को बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए यूज़ कर दिया जिसके अंदर कम फ्यूल का यूज़ होता था। स्टीम इंजन की खोज थी, ठीक है जी, उसने वो द बेसिस ऑफ मैनी मोर इन्वेंशंस, कहते काफ़ी खोजों को उसने महत्व दिया। इन 1814 कहते 1840 के अंदर जॉर्ज स्टीफसन ब्रिटिश इंजीनियर थे, उन्होंने स्टीम इंजन के अंदर चेंजेस की और स्टीम लोकोमोटिव इंजन क्या किया एंड डेवलपर द स्टीम लोकोमोटिव इंजन को डेवलप किया। जॉर्ज स्टीफसन ने फर्स्ट रेलवे इंजन बनाया जो दैट प्लाइड बिटवीन स्टॉक्सन एंड डार्लिंगटन, दिस स्टीम इंजन वॉज कॉल्ड द रॉकेट, और स्टीम इंजन को क्या नाम दिया गया, रॉकेट भी कहा गया। जॉर्ज स्टीफसन को फादर ऑफ रेलवे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो फ्यूल्स और मशीन्स के अंदर यूज़ करते हैं उसको सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है जी। पहले तो स्टीम यूज़ किया जाता था मशीनों को रन करने के लिए, अब क्या है फ्यूल्स है ना आने लग गया, मिनरल इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होने लगा है। इसके अलावा कुछ और सोर्सेज भी एनर्जी के डिस्कवर हो चुके हैं जैसे कि नेचुरली अवेलेबल फ्यूल्स, एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा। आफ्टर दैट कोल, कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ये फर्स्ट फ्यूल था जिसको बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में मशीनों में यूज़ किया गया। कोल हैज़ बीन माइंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कोल है कहते काफ़ी वर्ल्ड की काफ़ी पार्ट्स के अंदर से निकाला जाता है, ये अर्थ के अंदर पाया जाता है और काफ़ी महंगा होता है। आज के टाइम में जो कोल है किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्मेल्टिंग, अलॉय प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इट्स कंस्टेंट यूज़ में लीड टू इज एक्सोजेशन, कहते इट कंस्टेंट इसका हम इतना यूज़ कर रहे हैं कि हमें लगता है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर ये ख़त्म भी हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।